महाराष्ट्र के बदलापुर में अगस्त महीने में हुए दुष्कर्म के आरोपी अक्षय शिंदे ने पुलिस हिरासत में पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि अस्पताल में अक्षय शिंदे ने दम तोड़ दिया। घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी अक्षय शिंदे को तालोजा जेल से पुलिस यौन उत्पीड़न के मामले में रिमांड पर लेकर बदलापुर जा रही थी। जब वाहन मुब्रा बाईपास के पास पहुंचा तो आरोपी अक्षय शिंदे ने वाहन में मौजूद एक पुलिस अधिकारी की रिवॉल्वर छीन ली और 2 से 3 राउंड फायरिंग की। इससे पुलिस अधिकारी घायल हो गया। जवाब में एक अन्य अधिकारी ने शिंदे पर गोली चला दी जिससे वह घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में कलवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां अक्षय शिंदे ने दम तोड़ दिया। बदलापुर के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अक्षय की पूर्व पत्नी ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, इसलिए उसे जांच के लिए ले जाया जा रहा था। शिंदे ने एक पुलिसकर्मी नीलेश मोरे पर गोली चलाई जो घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आत्मरक्षा में यह कार्रवाई की है। जांच के बाद अधिक जानकारी सामने आएगी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पूर्व पत्नी की यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद पुलिस वारंट के साथ अक्षय शिंदे को जांच के लिए ले जा रही थी। उन्होंने पुलिस की बंदूक छीन ली और पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की और हवा में भी फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में उन पर गोली चलाई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। विपक्ष हर बात पर सवाल उठाता है, वहीं विपक्ष उन्हें फांसी देने की मांग कर रहा था। अगर उसने पुलिस पर हमला किया होता तो क्या पुलिस आत्मरक्षा नहीं करती? इसे लेकर कोई मुद्दा बनाना गलत है। वहीं विपक्षी नेताओं ने इस मुठभेड़ पर आश्चर्य व्यक्त किया और घटना की विस्तृत जांच की मांग की। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया कि मुठभेड़ कुछ अन्य लोगों को बचाने के लिए की गई थी। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वटेट्टीवार ने कहा कि यह चौंकाने वाला है, इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आश्चर्य जताया कि क्या यह मुठभेड़ स्कूल के ट्रस्टियों को बचाने के लिए की गई थी जिन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि गृहमंत्री और पुलिस को मामले की जांच के लिए SIT का गठन करना चाहिए क्योंकि इस घटना को लेकर संदेह है। सरकार और पुलिस को स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि क्या हुआ था। आपको बता दें कि बदलापुर में 14 अगस्त को एक स्कूली बच्ची ने स्कूल से घर लौटने के बाद अपने माता पिता से गुप्तांगों में दर्द की शिकायत की थी। बच्ची लगातार अपने माता पिता से शिकायत करती रही तो माता पिता को शक हुआ। उन्होंने लड़की से पूछताछ की तो घटना का पूरा सच पता चला। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।